हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ डिफेंस डीएनए टेस्ट एपिसोड 10, जहां हम बात करते हैं डिफेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स डिटेल में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। वीडियो को आप लास्ट तक देखें, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द तेजस। तो आज हम डीएनए टेस्ट करेंगे तेजस एयरक्राफ्ट का। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि तेजस प्रोग्राम की शुरुआत कब और कैसे हुई, क्या तेजस एयरक्राफ्ट बनाने की असली वजह, एलसीए तेजस इतना आखिर लेट क्यों हुआ, साथ ही हम देखेंगे कि तेजस इतना रिलायबल आखिर क्यों है, क्या है इसके स्पेसिफिकेशंस, इसमें कौन कौन सी मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज खरीदना चाहती हैं तेजस को, और भी बहुत कुछ इस वीडियो में जानने के लिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। ये तो आप सबको पता है कि तेजस भारत द्वारा विकसित किया गया एक लाइट मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, या फाइटर जेट बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी एचएएल द्वारा डेवलप किया जा रहा है। एयरक्राफ्ट का ऑफिशियल नाम तेजस 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। यह एयरक्राफ्ट पुराने पड़ रहे MiG-21 को रिप्लेस करेगा। 1 जुलाई 2016 को भारतीय वायुसेना की पहली तेजस यूनिट का निर्माण किया गया, जिसका नाम नंबर 15 स्क्वाड्रन है, जिसे हम फ्लाइंग डैगर्स के नाम से भी जानते हैं। 1 अप्रैल 2020 में भारतीय वायुसेना की दूसरी तेजस स्क्वाड्रन का निर्माण किया गया, जिसे नंबर 18 स्क्वाड्रन या फिर फ्लाइंग बुलेट के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही स्क्वाड्रन सलूर में स्थित हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हुई तेजस प्रोग्राम की शुरुआत। तो ईयर 1983 में सरकार ने 560 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मल्टी रोल फाइटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए पर काम करने की मंजूरी दी। एलसीए कार्यक्रम 1983 में दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के लिए शुरू किया गया। पहले ये कि भारत पुराने पड़ते जा रहे मिक्योन ग्रोविच यानी कि MiG-21, जिसे नाटो द्वारा फिसबेट भी कहा जाता है, उसकी जगह लेने वाले विमान का विकास करना था। दूसरा ये कि मॉडर्न एविएशन टेक्नोलॉजीज के वाइड रेंज में भारत के स्वदेशी एरोस्पेस क्षमताओं को और एक्सटेंड करने और साथ ही एडवांस करने के लिए था। जिसके बाद इन लक्ष्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए सरकार ने एलसीए कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए 1984 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडा की स्थापना की। आपको बता दूं कि तेजस को अक्सर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी एचएएल का प्रोडक्ट कहा जाता है, पर तेजस के विकास की जिम्मेदारी वास्तव में एडा की है, जो कि सबसे अधिक डिफेंस लेबोरेटरीज, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का एक नेशनल एसोसिएशन है, और एचएएल जिसका मेन कॉन्ट्रैक्टर है। अब बात करते हैं एलसीए प्रोग्राम से जुड़े हुए चैलेंजेस की। तो एलसीए तेजस को बनाने में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था इसका इंजन। स्टार्टिंग में प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट को जनरल इलेक्ट्रॉनिक के F404GEF2J3 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन से लैस करने का निर्णय लिया गया था, और इसके पैरेलल ही 1986 में एक इंडिजीनियस इंजन के विकास के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया। गैस टर्बाइन रिसर्च अथॉरिटी यानी GTRE के नेतृत्व में GTX-35VS इंजन को डेवलप किया जाने लगा, जिसका नाम कावेरी रखा गया। इस इंजन से यह उम्मीद थी कि यह इंजन पूरी तरीके से F404 की जगह ले लेगा। GTRE ने 9 प्रोटोटाइप कावेरी इंजनों के साथ साथ 4 कोर इंजन विकसित किया, और उसके बाद उसका 3217 घंटे तक परीक्षण भी किया गया, पर वे एक फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर देने के लिए जरूरी पैरामीटर्स को पूरा करने में असफल रहे। कावेरी ने 81 किलो न्यूटन की वेट थ्रस्ट की बजाय सिर्फ 70.4 किलो न्यूटन ही थ्रस्ट उत्पन्न किया था, जो कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट को जरूरी थ्रस्ट देने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसके बाद ईयर 2004 में कावेरी इंजन रूस में अल्टीट्यूड टेस्ट में भी फेल हो गया। इतनी सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज के कारण कावेरी विकास का कार्यक्रम धीमे हो गया, जिसके बाद कावेरी के विकास में पैदा हो रही खामियों को देखते हुए हाई क्वालिटी वाले जनरल इलेक्ट्रिक F404GEIN20 इंजन को खरीदने का निर्णय लिया गया। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तेजस अपने इंजन के कारण लेट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। तेजस प्रोग्राम के डिले होने में इंजन के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स थे। एलसीए के डेवलपमेंट की देरी में मुख्य रूप से सोफिस्टिकेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर तैयार करने में भारत के अनुभव की कमी को भी माना जाता है, क्योंकि भारत ने सबसे पहले 1950 के आखिर में केवल सेकेंड जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट HF-24 मारुत का निर्माण किया था, जिसके बाद सीधा 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाना अपने आप में एक चैलेंज था। इसके साथ ही भारत के कंट्रोवर्सियल न्यूक्लियर टेस्ट पर अमेरिकी सैंक्शंस और भारतीय वायुसेना की बदलती जरूरतों ने भी एलसीए परियोजना में देरी की है। तो फाइनली जब एलसीए तेजस बनकर तैयार हुआ तो इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, और इंडिया को वर्ल्ड के चुनिंदा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंट्रीज की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। तेजस एक बहुत ही ज्यादा रिलायबल एयरक्राफ्ट है। अब आपको बताते हैं कि तेजस इतना आखिर रिलायबल क्यों है। तो किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है वो होती है उसकी फ्लाई बाई वायर सिस्टम, मिशन कंप्यूटर, मेन सेंसर और इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल। तेजस विमान में फ्लाई बाई वायर सिस्टम लगा है, जिसके जरिए जेट को फ्लाइंग में हेल्प करने वाले कंप्यूटर कंट्रोल्ड इनपुट्स मिलते हैं, और तेजस के केस में यह पूरी तरीके से इंडियन टेक्नोलॉजी है। इसके साथ ही एनिमी के विमानों से निपटने के लिए इस्तेमाल होने वाले इसका मिशन कंप्यूटर भी भारतीय है। इसके जरिए सेंसर के डेटा को रिसीव करके प्रोसेस किया जाता है। मिशन कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जिसे भविष्य में अपग्रेड या बेहतर किया जा सकता है। आपको बता दूं कि इस जेट को बनाने में भारत में निर्मित कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यह हल्का और मेटल के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। प्लेन में लगा मुख्य सेंसर तरंग राडार पायलट को दुश्मन जेट्स या ग्राउंड टू एयर में मार करने वाली मिसाइल के बारे में बताता है, और यह सेंसर भी भारत में ही बना हुआ है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि 35 मेजर एविएशन इक्विपमेंट्स और लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट में से केवल 3 ही विदेशी सिस्टम शामिल है। इनमें मल्टी फंक्शन डिस्प्ले MFD फ्रांस और इसराइल से लिए गए हैं, हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले एंड साइड सिग्नल सिस्टम एलविट से, और सेंसर पॉड इसराइल द्वारा आपूर्ति की जाती है। एलसीए के 70% पुर्जे जो
है भारत में ही बन रहे हैं। अब बात करते हैं तेजस के स्पेसिफिकेशंस की, तो तेजस में दो तरह के स्पेसिफिकेशंस है, पहली जनरल स्पेसिफिकेशंस और दूसरे इसके स्पेशल स्पेसिफिकेशंस। तो सबसे पहले हम जनरल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तेजस की लंबाई 13.2 मीटर है और इसका विंग स्पैन 8.2 मीटर है। तेजस अधिकतम 13,500 किलोग्राम वेट के साथ फ्लाई करता है। इसमें 5,300 किलोग्राम के पेलोड लगाए जा सकते हैं। इसमें कुल 8 हार्ड पॉइंट्स हैं जिसमें मिसाइल और बॉम्ब तैनात किए जा सकते हैं। तेजस की मैक्स स्पीड की बात करें तो यह मैक 1.6 की स्पीड से फ्लाई कर सकता है और यह एयरक्राफ्ट एक बार में 1,850 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकता है। तेजस के इंटरनल टैंक में 3,000 किलोग्राम फ्यूल स्टोर किया जा सकता है और इसमें 1,200 लीटर के तीन एक्सटर्नल फ्यूल टैंक भी जोड़े जा सकते हैं। अब हम तेजस के स्पेशल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो तेजस सिंगल इंजन मल्टीलोर फाइटर जेट है। इसकी विशेषताएं यह है कि यह एक विदाउट टेल डेल्टा विंग प्लेटफॉर्म और रिलैक्स्ड स्टैटिक स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर वाला फाइटर जेट है, जिससे इस जेट की कॉम्बैट परफॉर्मेंस यूनिक हो जाती है। एलसीए का एयर फ्रेम एल्युमिनियम लिथियम मेटल ऑयल कार्बन फाइबर कंपोजिट यानी सीएफसी और टाइटेनियम मेटल एलॉयस स्टील से बना हुआ है। तेजस में हाइड्रोकली रिटायरेबल ट्राईसाइकिल टाइप लैंडिंग गियर यूज किया गया है जो इसे लैंडिंग के टाइम बेहतरीन स्टेबिलिटी देते हैं। तेजस में नाइट विजन गॉगल्स कंपेटिबल ग्लास कॉकपिट भी है। इसमें टारगेट की इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति के लिए एक अत्याधुनिक राडार के साथ साथ लेजर डिजिग्नेटर पॉड फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर भी लगे हुए हैं। ये सेंसर स्ट्राइक करने के लिए टारगेट की पिन पॉइंट जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तेजस का एवियोनिक्स बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। तेजस में लगा हुआ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम सही नेविगेशन के लिए पायलट को गाइड करता है। एलसीए के पास सेफ और जैम रेसिस्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे कि आईएफएफ ट्रांसपोर्टर और इंट्रोगेटर, वीएचएफ यूएचएफ रेडियो और एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड डाटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। एलसीए का पल्स डॉपलर मल्टी डायमेंशनल राडार अधिकतम 10 लक्ष्यों को ट्रैक करके और एक साथ कई टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में भी कैपेबल है। तेजस का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तेजस डीप पेनिट्रेशन और लड़ाई के दौरान इनविजिबल यानी अदृश्य रह सकता है। एलसीए का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट एवियोनिक्स रक्षा अनुसंधान प्रतिष्ठान DARE द्वारा विकसित किया गया है। इस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट जिसे कि माया वी कहते हैं, इसमें एक राडार वार्निंग रिसीवर, सेल्फ प्रोटेक्शन जामर, लेजर वार्निंग सिस्टम, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और चाफ और फ्लेयर्स डिस्पेंसर्स भी लगे हुए हैं। तेजस में लगे हुए वेपन्स की बात करें तो इसमें एक 23mm की डबल बैरल GSH-23 गन लगी हुई है। तेजस में एयर टू एयर मिसाइल जैसे R-73, डर्बी, पाइथन 5, अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2, R-77 लगाई जा सकती हैं। इसके साथ ही इसमें एयर टू सरफेस मिसाइल ब्रह्मपोस NG, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1, एंटी शिप मिसाइल KH-35, KH-59MK लगाए जा सकते हैं। अगर इसमें लगाए जाने वाले बॉम्ब्स की बात करें तो इसमें प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन स्पाइस, लेजर गाइडेड बॉम्ब सुदर्शन, LGB ग्रिफिन, क्लस्टर म्यूनिशन RBK-500 लगाए जा सकते हैं। अगर किसी एयरक्राफ्ट में इतनी सारी खासियत हो तो कोई भी देश उस एयरक्राफ्ट को क्यों नहीं खरीदना चाहेगा। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के मामले में तेजस ने चीन और कोरिया के विमान को भी पीछे छोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस में अर्जेंटीना से पहले और भी कई देश दिलचस्पी दिखा चुके हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कोलंबिया, फिलीपींस, मलेशिया, मिस्र और अमेरिका भी शामिल हैं। मलेशिया को लेकर तो ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जल्द ही भारत से तेजस खरीदना चाहता है। डिफेंस इक्विपमेंट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका भी पूरी तरीके से भारत में विकसित इस लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखा रहा है। मलेशिया पहले ही इस विमान को खरीदने की तैयारी में है। भारत ने मलेशिया को 18 तेजस बेचने की पेशकश की है। रक्षा मंत्रालय भारतीय वायु सेना के लिए 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए पिछले साल HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए का करार किया था। HAL को इन विमानों की आपूर्ति 2023 तक करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।